हेलो दोस्तों दोस्तों गुडरैश का सबसे पहला सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था। क्या आपको पता है कि आखिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्या होते हैं? नहीं पता है तो फिकर नॉट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कि आखिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स ऐसे पोकेमॉन्स होते हैं जो कि अपने 30 वोल्ट स्टेट पर होते हैं और उनके बेस स्टैट्स होते हैं 600। दोस्तों अगर किसी पोकेमॉन के स्टैट्स 600 हैं लेकिन वो अपने 30 वोल्ट स्टेट पर नहीं है तो दोस्तों वो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक मेन कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, थर्ड इवॉल्व स्टेज होना ये एक मेन कंडीशन है अगर आपको एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होना है। मतलब आपको नहीं, एक पोकेमॉन को अगर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन होना है। तो ये सब मैं आपको एक पोकेमॉन के एग्जांपल से समझाता हूँ, जो कि है म्यू। तो दोस्तों म्यू को तो आप सब जानती होंगे, अगर आपको पता हो तो म्यू के भी बेस स्टैट 600 ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं कहलाता है क्योंकि वो अपने थर्ड इवॉल्व स्टेज पर नहीं है। ये तो आपको पता लगी क्या कि आखिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से पोकेमॉन सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन कहलाते हैं, तो चिंता मत कीजिए क्योंकि अगली वीडियो में इसी टॉपिक पे लाऊंगा कि आखिर सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन कौन कौन से होते हैं। वीडियो ऑन करने से पहले क्यों ना एक क्विज हो जाए, मैं आपसे बस ये पूछूंगा ये कौन सा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और आपको कमेंट में इसका आंसर देना होगा। तो बताइए ये कौन सा सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो इस क्विज का आंसर सबसे पहले देने वाले का नाम मैं अगली वीडियो में बता दूंगा।